प्रीवियसर क्वेश्चन को कैसे यूज करना है देखो आप लोगों को कई लोगों ने सोर्स बता रखे होंगे बहुत टॉपर्स की वीडियोज हैं कुछ यहाँ पे रेवोल्यूशनरी में आपको नहीं बता सकता बट जो लर्निंग्स मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ वो मैं आपके साथ करने वाला हूँ सो आईल शो यू माई नोट आई शो यू वो नो वो डन हाउ आईव अप्रोच दिस पेपर एंड इन दी एंड आई शो यू हाउ टू मेक इंटर लिंकेजेस वैसे भी एंड तक सिर्फ वही लोग देखते हैं जो सीरियस होते हैं तो वो चीज फिर एंड में डिस्कस करेंगे बिकॉज दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट ऑफ दिस वीडियो तो दिस इज दिलेबस ऑफ जी एस पेपर वन ठीक है पे uh, ये यूपीएससी का सिलेबस है means की है की नोटिफिकेशन देखो पढ़ते हैं इंडियन कल्चर विल कवर सेलियंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म लिटरेचर आर्किटेक्चर फ्रॉम एंशियंट टू मॉडर्न टाइम्स अब ये क्या है ये आर्ट एंड कल्चर है हम फिल्म के लिए पढ़ चुके हैं नथिंग न्यू राइट तो फिल्म के लिए जो भी सोर्स पढ़ा है उसको यहाँ पे फॉलो किया जा सकता है कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है ठीक है अब प्रीलिम्स के लिए आपने आगे आई विल टॉक अबाउट एवरी सब्जेक्ट इन डिटेल बट यहां पर एक बात जरूर याद रखना कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो में आई शो यू इन दिस वीडियो ओनली हाउ यूर सपोज टू एनालाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कैसे उसे यूज किया जा सकता है ठीक है चलो नेक्स्ट वील सी मॉडर्न हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री में देर इज मिडिल ऑफ एटीन सेंचुरी अंटिल प्रेजेंट एड तो मतलब सब सब. तो तो कर लीजिए और कैसे करना है यह भी मैं इसी वीडियो में आपको दिखाऊंगा नाउ पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन इसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हमें पढ़ने हैं पढ़ना में विजन आई इसके नोट से टेलीग्राम पर सर्च करोगे आपको मिल जाएंगे बट इसके कौन कौन से इम्पोर्टेंट पार्ट वट आर दी इम्पोर्टेंट थिंग्सलीस क्वेश्चन अब देखो सिलेबस एनलाइज होता कैसे है क्या लिखा है century, तो पहला एक ये टॉपिक हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री में इंडस्ट्रियल सेल्ड वॉर्स द टाइम बिटवीन द टू वर्ल्ड वॉर्स इनमें क्या हुआ ये आपको पढ़ना है राइट right? उसमें क्या क्या पढ़ना है वो भी बात करते हैं रीड रोल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज राइट तो यहां पर क्या होगा यूनिफिकेशन हुई है जो वर्ल्ड में कंट्रीज की जो नई नई बाउंड्रीज बनी है यहां पर दो चीजें पढ़नी है इटालियन यूनिफिकेशन जर्मन यूनिफिकेशन ठीक है ये हो गई रीड रोल ऑफ नेचुरल बाउंड्रीज नेशनल बाउंड्रीज देन कोलोनाइजेशन एंड देनाइजेशन ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये पूरे वर्ल्ड का पढ़ना है एड right? इस पे क्वेश्चन भी आते हैं

अगेन अमेरिकन सिविल वॉर राइज ऑफ कैपिटलिज्म फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री ये चीजें पढ़नी है सोशलिज्म ग्रेट लीप फॉर्वर्ड चाइना ये चीजें पढ़नी है राइट right? Their फॉर्म्स एंड इफेक्ट ऑन सोसाइटी सोर्स कौन सा फॉलो करना है श्रेयांश कुमार सर है ऑल इंडिया रैंक फोर पी एस सी ट्वेंटी इनके नोट्स हैं बहुत कंसाइज है तो अगर इस साल का मीन दे रहे हो तो ये नोट फॉलो कर सकते हो नहीं तो मैं अपने स्कैन 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 करके डाल डाल थोड़े बड़े नोट्स हैं मेरे uh, हैंड uh, थोड़ा आलसी मन नहीं करता स्कैन करने का But, मैं ठीक है ये हो गया वर्ल्ड हिस्ट्री अभी खत्म नहीं हुआ है आगे विल टॉक अबाउट एवरी सब्जेक्ट इन डिटेल पहले हम सब सिलेबस देख रहे हैं अब ये है सोसाइटी सोसाइटी डाइवर्सिटी रोल ऑफ वुमेन ऑर्गेनाइजेशन पॉपुलेशन पावर्टी अर्बनाइजेशन

इस इसमें क्वेश्चन भी आ चुका है क्राइसफियर एंड इट इफेक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट तो ये कहाँ से रिलेटेड हुआ ये क्लाइमेट चेंज हुआ और इनवायरमेंटल जोग्राफी ये क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट है तो इसे हम लिंक करके पढ़ेंगे लिंकेजेस कैसे करने है? वीडियो के एंड में देखेंगे ठीक है लास्ट टॉपिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज द वर्ल्ड फैक्टर्स रिस्पांसिबल फॉर लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्चरी सेक्टर इंडस्ट्री इन वेरियस पार्ट ऑफ वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया इसमें वो एनसीआर पढ़नी है जोग्राफी की जो हम क्लेम्स के लिए नहीं पढ़ते ह्यूमन ज्योग्रफी इसमें प्राइमरी इंडस्ट्रीज पे एक टॉपिक एक एक ह्यूमन जोग्रफी की दो एनसीआरटीज है एक वर्ल्ड के परस्पेक्टिव से एक इंडिया के परपेक्टिव से इसमें प्राइमरी इंडस्ट्री सेकेंडरी इंडस्ट्री टर्सरी इंडस्ट्री इन पे एक एक चैप्टर है और इनमें रिसोर्सेज पे भी की नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल आयरन इनकी भी डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में भी और वर्ल्ड में बता रखी है यही से हमें इसको फॉलो करना है कैसे फॉलो करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पता चलेगा आगे चलते हैं देखो सबसे पहले नाउ लेट्स गो टॉपिक बाय टॉपिक सबसे पहला, सब पहला टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर फिल्म के लिए मान लो आपने लूशेंट पढ़ी थी ठीक है तो ये तो आप नहीं पढ़ सकते मीन्स के लिए ये तो क्लियर है लूशंट कैन नॉट बी योर सोर्स तो या तो किसी कोचिंग के नोट्स या फिर नितिन सिंघानिया सर की बुक या फिर एनसीआर टी इनमें से कोई एक एनसीआर कौन सी फाइन आर्ट्स वाली मैं मैं रिकमेंड ये करूंगा वो तो ये बेस्ट है फाइन आर्ट्स की एनसीआरटी आती है क्लास एलेवं की बेस्ट है लाइक लाइक ऑब्वियसली गवर्नमेंट सोर्स बेटर राइट क्लास की है इट्स गुड एंड के लिए भी काफ़ी कवर कर देती है

यहाँ पर ट्वेंटी थर्टीन में क्वेश्चन आया संगम लिटरेचर पे क्वेश्चन आप पढ़ लेना पॉज करके फर्स्ट क्वेश्चन ऑन संगम लिटरेचर फिर आगे मैं देखू क्वेश्चन पर्शियन लिटरेचरी सोर्स राइट तो पर्शियन लिटरेरी सोर्स पे तो पर्शियन लिटरेचर पे क्वेश्चन तो आया इन ट्वेंटी 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 वन में आया नेचर ऑफ भक्ति लिटरेचर अब ये भी हम आर्टन कल्चर में पढ़ते हैं तो अब अगर मैं बात करू कि लिटरेचर के कौन कौन से वो वाले पार्ट्स हैं जो ऑलरेडी आस्ट संगम लिटरेचर पर्शियन लिटरेचर भक्ति लिटरेचर क्या क्या रह गया संस्कृत लिटरेचर दे हैव नॉट आस्ट इट पाली एंड प्राकृत लिटरेचर दे है मोस्ट इंपॉर्टेंट पीरियड फॉर संस्कृत लिटरेचर तो यहाँ देखो डिस्कस दिन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड टू इंडियन अगर ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक मैंने ये पढ़ के एनालाइज कर लिया था तो मुझे समझ आया होगा यार संस्कृत लिटरेचर पाली लिटरेचर प्राकृत लिटरेचर उर्दू जैन बुद्धिस्ट

जो आपने पढ़ी है उसके लास्ट के समरी पेजेस ले लो दो अप्रोचेज हैं आपके पास नोट्स बनाने के या तो आप समरी पेजेस ले लो या खुद से नोट्स बना लो मैं आपको दोनों चीजें अब यहां से मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन स्टार्ट है पर्सनैलिटीज की बात थी देखो क्वेश्चन आया लॉर्ड दल हाउस पे अब क्या आप ये आंसर नहीं कर सकते बिल्कुल आंसर कर सकते में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन है बट हाँ नाउ यू नीड टू रिसर्च अ लिटिल बिट मोर थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं आंसर को क्योंकि तो 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 उन्होंने एक बार पूछ लिया देन सेवरल मेड इंडिया देयर होमलैंड एंड पार्टिसिपेटेड इन वेरियस मूवमेंट्स एनालाइज देयर रोल इन इंडियन स्ट्रगल फॉर फ्रीडम आप इसमें आप टेम्पोरली सकते हो शुरू से यू नो कांग्रेस के फॉर्मेशन के टाइम पे कौन था उसके बाद जब मॉडरेट स्ट्रगल चल रही थी तो कौन था एक्सट्रीमिस्ट स्ट्रगल के टाइम पे कौन था फिर क्विट इंडिया सॉरी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे कौन था सिविल डिसोबीडियंस के टाइम पे कौन था टाइम पे कौन था और बीच में जो जो इवेंट्स में उसमें आप टेम्पोरली सकते हो राइट right? सो so, ऐसा नहीं हैगल फॉर फ्रीडम इन इंडिया तो इंडियन वुमेन पे क्वेश्चन है उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन अगेन आप सोच सकते हो राइट फ्रॉम रानी लक्ष्मी बाई जी टू द रानी लक्ष्मी बाई रेजिमेंट इन दिनल आर्मी राइट यू कैन थिंक्रीब्यूशन स्ट्रगलिटिकल इट इज राइट देन ऐसे करके अगर आप पढ़ोगे यू विल रियलाइज देखो रोल ऑफ वेमेन रिपीट कर दिया रोल ऑफ विमेन इन फ्रीडम स्ट्रगल स्पेशली ड्यूरिंग द गांधी फेस वो पहले क्वेश्चन अगर आपने किया होता और ट्वेंटी में आप मीन दे रहे थे

पहले मैंने चारों प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिख दिए हैं मेरे खुद के नोट है फिर मैंने एक इंट्रोडक्शन लिखी जो मैंने स्पेक्ट्रम से ही उठाई है खुद से ऑब्वियसली जनरेट नहीं करी फिर क्या लिखा कॉजेस कॉजेज में इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या है की की तरफ से, की तरफ से से आर्टिजन जमींदार की तरफ से ट्रेडर की तरफ से दिस इज अ स्टेक होल्डर अप्रोच सोच लिया कि रिवोल्ट ऑफ में कौन कौन स्टेक होल्डर्स थे इकोनॉमिकली उनके क्या क्या कॉजेज थे देन पोलिटिकल कॉजेज ब्रिटिश पॉलिसीज पॉलिसी पॉइंज इन आर्मीज का क्या कॉज था राइट right? रिलीजियस क्या कॉजेस थे कॉजेज हो गए Then, what happened? ये तो मुझे पता ही है ये कौन कौन सी प्लेस इन्वॉल्व थी आपको भी पता होगा फिर मैंने सोचा यार अच्छा वीकनेस एंड फेलियर रीजन लैक ऑफ cohesiveness टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी थी ब्रिटिश के पास वगैरह वगैरह आपने रीजन लिख लिए हाउ वॉज इट डिफरेंट फ्रामीन फिफ्टी सेवन वॉर ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने डायमेंशन समझा है और ये spectrum में भी दिया हुआ है एक so,

तो ऐसे नोट्स तो बनाओ तो अगर टाइम नहीं है तो दूसरा तरीका ये है जैसे ये है अर्ली नेशनलिज्म, राइट जो का टाइम था। उसके के नोट्स हैं ये तो ये स्पेक्ट्रमरी स्क्रीनशॉट लेके आईपेड पर डाल दिया ठीक है अब फैक्टर्स क्या ग्रोथ में ये पे लिखा हुआ दिस इज अमरी राइट तो वो सीधे सीधे लिख देते हैं मुझे एड करना है

डायरेक्टली आप वहां से पढ़ के अपनी कॉपी में लिख लो या ये कर लो दिस इज स्लाइट शॉर्टकट बट वर्क जस्ट एज वेल राइट ओके नेक्स्ट लेट्स कम टू वर्ल्ड हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री में अगेन मैं अपने नोट्सून डाल दूंगा नहीं तो आप श्रेयांत कुमार सर को सर्च कर लेना टेलीग्राम पे उन्होंने अपने नोट्स वाले में थोड़े कंसाइज हैं ये चौदह पंद्रह पेज में पूरा खत्म किया हुआ है थोड़ा सा ज्यादा डिटेल चाहिए होता है अगर ये पढ़ रहे हो तो एटलीस्ट रीड फ्रॉम वन अदर प्लेस ये रिकमेंडेशन रहेगी मेरी अब देखो अगेन सेम थिंग कोई भी चीज हुई जैसे वर्ल्ड वॉर हुआ वर्ल्ड वॉर वन हुआ

और प्रेजेंट डे रेलिवेंस तो पूछ ही लेते हैं अमेरिकन सिविल वॉर अमेरिकन रेवोल्यूशन फ्रेंच रेवोल्यूशन की प्रेजेंट डे सिग्निफिकेंस पूछ रखी है तो कोई भी इवेंट जो है इवेंट हमने कहाँ से देखने फ्रॉम द सिलेबस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसके कॉजे उसकी टाइमलाइन उसका इम्पैक्ट उसका अनालिसिस और रेलिवेंस ये करते हैं देन नेक्स्ट कम टू पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि विजन का वैल्यू एडेड मटेरियल पढ़ लो 50 60 पेजेस का है आराम से चार पांच दिन में हो सकता है जल्दी पढ़ोगे तो दो दिन में भी हो सकता है इसमें जो मेन टॉपिक्स हैं वो क्या हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया सोशल मूवमेंट्स इन इंडिया जैसे कि एंटी अरैक मूवमेंट चिपको मूवमेंट लैंड रिफॉर्म मूवमेंट भी ये कह है सकते हैं लैंड ग्रैब मूवमेंट भूदान ग्रामदान मूवमेंट ये सब लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड इवेंट्स अंडर ईच ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जैसे कि द इवेंट ऑफ एमरजेंसी द इवेंट ऑफ इंडो बांग्लादेश वॉर द इवेंट ऑफ लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश हो गया जैसे इवेंट ऑफ आई पी के एफ बींग सेंट टू ये जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं ये आपको पढ़ने हैं और ये आपको हेल्प करेंगे इवन इन इकोनॉमी ये आपको हेल्प होगी इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग भी आप पढ़ोगे है ना जैसे नहरूबी एरा की आप इकोनॉमिक प्लानिंग पढ़ोगे फिर आप ईयर प्लान पढ़ोगे फिर आप लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ोगे देन इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन इंटरनेशनल रिलेशन बिकॉज यू विल रीड अबाउट फॉरन पॉलिसी अल्टीमेटली यू यू हैव टू रीड पॉलिटी दैट दैट दे नो पॉलिटिकल थिंग्स द पास्ट प्राइम मिनिस्टर्स पास दिन

तो अर्बनाइजेशन पे क्या क्या आ सकता है एक तो कई लोगों को मेरी हैंड राइटिंग भी समझ आ रही है तो मैं उसमें भी हेल्प कर देता हूँ ये ये देखो दिस इज रिटन डेफ एन दिस इज डेफिनेशन ठीक है यहाँ पे जो भी चीज जैसे अर्बनाइजेशन है यहाँ पे तो बाद में यू एन ऐसे हो जाएगा शॉर्ट फॉर्म्स काफी आदत थी मुझे नोट्स बनाते हुए ताकि थोड़ा जल्दी जल्दी नोट्स बन जाए जैसे ये माइग्रेशन दिस इज आई ओ एन जहाँ भी है वहां पे ये एन सुपरस्क्रिप्ट में चला जाता है मेरे नोट्स में ठीक है

ना अवेलेबल होने से या ड्रेनेज ना होने से जो ट्रैफिक पर प्रॉब्लम होगी उसके बारे में बात की हुई है देन अर्बन हीट टू पब्लिक फिजिकली हैंडीकैप्ड पीपल बढ़ रहा है ये प्रॉब्लम दिखी हुई है दिस इज अ मेडिकल सिंबल फॉर मैनेजमेंट तो वेस्ट मैनेजमेंट में क्या है म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट जनरेट हो रहा है वगैरह सोलूशन एंड गवर्नमेंट आई एक्स दिस इज इंटरवेंशन गवर्नमेंट इंटरवेंशन सॉरी आई नो थोड़ा समझने में दिक्कत होगी दूसरों के नेट्स में प्रॉब्लम रहती है बट अगर आप थोड़ा सा पढ़ोगे आपको आइडिया हो जाएगा इतने कोई बहुत ज्यादा शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं किए वहां पर गवर्नेंस प्रॉब्लम लिखी थी तो यहाँ पर सेल्फ गवर्नेंस का सोल्यून लिख लिया वेस्ट मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम लिखी थी तो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स ट्रैफिक मैनेजमेंट प्रॉब्लम लिखी थी तो मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट एंड कैब शेयरिंग फिर पूरा मिशन अर्बन मिशन अमृत मिशन नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी एनर्जी कंजर्वेशन एंड बिल्डिंग कोड फॉर ग्रीन बिल्डिंग किसका सोल्यूशन है अर्बन हीट आइलैंड का सोलूशन अर्बन हीट आइलैंड का आइडिया कहां से आया मेरे को बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंक्लूसिव सिटीज सिटीजेडेड प्लांट्स

प्रधानमंत्री आवास योजना फॉर रेंटल अफोर्डेबल हाउसिंग एंड अफोर्डेबल टेनेंसी एक्ट पूछी जा चुकी हैं चीजें ये ये पूछा था ना प्रिलिम्स में 2021 में शायद जोड़ लो इन नोट्स में right तो प्रॉब्लम सोल्यूशन so, एक डायमेंशन में चीजें आपको मेरे नोट्स में इफ यू गो फॉर इट स्टार्टिंग से स्टार्ट पॉपुलेशन से होगा जो जो टॉपिक दैट इज गिवन इन द uh, जो जो टॉपिक सिलेबस में है, वो इस फॉर्मेट में किया हुआ है बट स्टिल मैं रेकमेंड करूंगा इन नोट्स के साथ आप एक बार विजन का वैल्यू मटेरियल पढ़ जरूर लेना ताकि थोड़ा सा आपको कॉन्टेक्ट मिल जाए कभी कभी यहाँ पे पढ़ के डायरेक्टली समझ नहीं आता बट इससे आपका काम चल जाना चाहिए राइट जैसे अब ये एंड में क्या है बेस्ट प्रैक्टिस है उड़ीसा की जागा मिशन यहाँ पे मैंग्रोव बोर्ड वॉक इन पांजी भुवनेश्वर वन राइट अब ये देखो स्मार्ट सिटी ये सिंबल फॉर इंटीग्रेशन इंटीग्रेट जियो स्पेशल डेटा एंड इन्फो फॉर ऑल सिटीजन कंक्लूजन में क्या लिखूंगा एस डी जी इलेवन और उसके बारे में थोड़ा लिखा है कि कंक्लूजन राइट टू द सिटी यू हैबिटेट सिटीज फॉर ऑल ये प्रीलिम्स में आया था यह इसलिए यहाँ पे ऐड कर लिया राइट तो दिस इज द वे आई हैव मेड नोट्स फॉर सोसाइटी तो आप ये फॉलो कर सकते हो या आप विजन का वैम फॉलो कर सकते हो और अपने नोट्स इस तरह से बना सकते again, से हो बट अगेन ये कहाँ से इंस्पायर्ड है सिलेबस प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ताकि डायमेंशन मैप हो जाए और फिर इन्हीं पर नोट्स बन देन मूविंग ऑन लास्ट चीज आती है जोग्राफी जोग्रफी में फिजिकल जोग्राफी में तो जो प्रम्स के लिए पढ़ा है वही पढ़ना है ह्यूमन ज्योग्रफी में आपको बता दिया ह्यूमन ज्योग्रफी की दो एनसीआरटी एक वर्ल्ड की है एक, एक इंडिया की है उसमें दो ही टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड लोकेशन ऑफ रिसोर्सिस इन दोनों पे उसमें अच्छे खासे चैप्टर दिए हुए हैं उनको पढ़ोगे आपका काम हो जाना चाहिए उसके बाहर से आता नहीं है जनरली अब अब जब हम क्वेश्चंस देखें ज्योग्राफी के जैसे मान लो जो फिजिकल ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन है ट्वेंटी थर्टीन में देखो रिंग आउट कॉजेज फॉर मोर फ्रीक्वेंट लैंडस्लाइड इन हिमालय देन घाट एनसीआरटी में दिया हुआ है

यू डोंट गो यू नो बियॉन्ड द रिक्वायरमेंट आप कुछ ऐसा फालतू तो का ना पढ़ने लगो यू हैव टू स्टिक रिमेन स्ट्रक्चर्ड एंड रिमेन रेलिवेंट अब लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो जो मैंने एंड के लिए रखा है क्योंकि इस टाइम तक नॉन सीरियस लोगों ने देखना बंद कर दिया अब जो इस तो वीडियो को देख रहे हैं वो वही लोग हैं जो अपनी प्रेप को लेकर सीरियस हैं बिकॉज आपका पच्चीस मिनट का भी अटेंशन स्पेन नहीं है तो फिर यू नो यू नो दैट यू आर जस्ट हेयर फॉर फन जो सीरियस लोग हैं वो अभी तक यहाँ पे हैं इंटरलिंकेज करना बहुत ज्यादा ज़रूरी है राइट right? देखो हिस्ट्री में सोसाइटी में ज्योग्राफी में हिस्ट्री में तो उतनी हो नहीं पाएंगी हिस्ट्री में भी होंगी कहा होंगी मैं बताऊंगा राइट बट सोसाइटी एंड ज्योग्रफी में बहुत सारी इंटरब्लिश होती है बाकी पार्ट्स ऑफ सिलेबस से देखते हैं ये इस वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है दिस इज द लेसन दैट आई वांटेड टू गिव यू स्टार्ट करते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं हर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की इकोनॉमी उनकी पॉलिटिकल मूव्स और उनकी फॉरेन पॉलिसी तो तो यार ये चीज तो वैसे भी सिलेबस में है राइट right? इसमें इसमें जो रीऑर्गेनाइजेशन है 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 कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन मेन एक तो लैंड अब आप GS3 का सिलेबस देखो लैंड रिफॉर्म डायरेक्टली जीएस थ्री में सिलेबस में है. तो ये चीजें साथ में कवर करनी चाहिए आप दो बार एफर्ट क्यों करोगे जब जीएस वन में पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ रहे हो तो वहां से लैंड रिफॉर्म्स पढ़ लो अब यहाँ पे क्या पूछा है जीएस वन में लोकेशन ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी सेक्टर इंडस्ट्रीज स पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वर्ल्ड छोड़ दो इंक्लूडिंग इंडिया तो इंडिया में इंडस्ट्रियल लोकेशन एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन एंड रीऑर्गेनाइजेशन इसमें फाइव ईयर प्लान भी आएंगे इसमें इकोनॉमिक प्लानिंग भी आएगी जीएसट्री की बात करते हैं जीएसट्री में क्या है सिलेबस में इंडियन इकोनॉमी एंड रिलेटेड टू प्लानिंग मोबिलाइजेशन रिसोर्स ग्रोथ डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट इसमें इंडियन इकोनॉमी में ओवर टाइम क्या हुआ है वो पार्ट है ना और वो पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी है तो या तो यहां से पढ़ लो या वहां से पढ़ लो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट नहीं करना सेकंड थिंग

इफेक्ट ऑन इंडस्ट्रियल ग्रोथ ये चीजें तो पेपर वन में जोग्राफी में भी हैं और यहाँ पर भी है सो दे टुगेदर अगर आपके पास टाइम है मी 2024 दे रहे हो टाइम है तो इन चीजों को आराम से साथ में मिला के पढ़ो इससे जो कहते हैं कि मल्टी डायमेंशनल आंसर लिखना है वो भी हो जाएगा जीएस वन में आप जीएस थ्री का परस्पेक्टिव भी दे पाओगे जीएस थ्री में आप जीएस वन का परस्पेक्टिव दे पाओगे करेक्ट आगे देखते हैं सिलेबस पॉपुलेशन एंड एसोसिएटेड इशूज पावर्टी एंड डेवलपमेंटल

है ना मैं गुड़गांव में रहता हूँ मतलब रोज ही इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई ना कोई प्रॉब्लम है आता हूँ तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर एज इट इज पूछ रखा है तो इसको साथ में पढ़ो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडस्ट्री स्टेटस दे दिया है अब गति शक्ति की बात हो रही है राइट हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर कैन हेल्प हाउ इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्प इन ग्रोथ रोड रेलवेज वहाँ पे नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी पढ़नी है अगर तो यहाँ पर रेलवेज के बारे में और रोड्स के बारे में पढ़ लेते हैं तो अगेन लिंक थीज टू टुगेदर

फिजिकल जोग्रफी उसमें भी यू आर रीडिंग अबाउट जियो फिजिकल फिनमिना तो दे आर ऑल डिजास्टर्स तो उनकी डिजास्टर मैनेजमेंट भी साथ में पढ़ लो कि कौन कौन से मेजर्स चाहिए होते हैं देन लास्टली लास्टली क्या चीज थी चेंजेस इन क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आई स्कैस क्यों होंगे चेंजेस चेंजेस होंगे क्लाइमेट चेंज की वजह से तो so जब आप जी एस थ्री का एन्वायरमेंट वाला पार्ट पढ़ोगे यहाँ पे कंजर्वेशन इन्वायरमेंटल पोल्यूशन डिग्रेडेशन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अफेसमेंट ये सेम चीजें ही तो हैं यहाँ पर भी तो आपको क्लाइमेट चेंज पढ़ना है तो जब क्लाइमेट चेंज पढ़ोगे तो रीड इट हेयर एंड देन रीड दीज टुगेदर इनको अलग अलग नहीं करना अलग नहीं पढ़ना और ज्योग्राफी अलग नहीं पढ़ना जैसे अब मान लो एक टॉपिक है कोस्टल इरोजन अब इसमें ज्योग्राफिकल फिनोमिना भी लग रहा है क्लाइमेट चेंज की भी बात हो रही है एंड डिजास्टर मैनेजमेंट का भी एक पर्सपेक्टिव है एनवायरमेंट so, भी है डिजास्टर मैनेजमेंट भी है और जोग्रफी भी है तीनों चीजें हैं इसमें वी हैव टू लिंक देम टुगेदर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज ऑफ दिस वीडियो जब पढ़ोगे अभी जीएसटू GS जीएसट्री की भी स्ट्रैटेजी लेके आऊंगा जब वहां वाले टॉपिक्स पढ़ोगे तो इनको लिंक करना है अब कुछ टॉपिक्स हैं जिनकी लिंक नहीं है इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी वैसे तो आप इसको भी लिंक कर सकते हो बट ठीक है ये आपको एनी वे खुद से पढ़ना है तो इस टॉपिक को आप खुद से पढ़ लो आर्ट एंड कल्चर है उतना लिंक नहीं है बाकी बाकी सिलेबस के टॉपिक पे दो क्वेश्चन आने राइट

अगर किसी ने अटेंड की तो वो बता सकता है कमेंट्स you know, में। एक चीज आपको और एडवाइस देना चाहता हूँ अभी अगर आप ट्वेंटी ट्वेंटी फोर के लिए एम कर रहे हो तो प्लीज प्लीज फोकस ऑन मीनस मैं पहले भी ये बात कर चुका हूँ मीन्स रेडी होना है आपने दिसंबर तक इसका एक प्लान भी मैं अपलोड कर चुका हूँ मेन्स पे मेन्स रेडी बनो मेन्स के लिए फोकस करो एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और सिलेबस को मत छोड़ना अगर आपने सारे मीन्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लिख, लिख लिएबर तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खुद से लिख लिए किसी और के नहीं मैं, चाहे मतलब किसी का भी कोर्स हो कुछ भी हो खुद से अगर आपने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लिख लिए तो उससे बेटर आपको कोई रेडी नहीं कर सकता मीन्स के लिए इन द नेक्स्ट सिक्स मंथस यू विल बी वेरी वेरी रेडी फॉर द मीन्स ठीक है I'll see you in the next one where I talk about the strategy for GS paper 2.